हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास ऑफ कंप्यूटर फॉर क्लास सेवेंथ. सो डियर स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11. इन माय लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन फिल इन द ब्लैंक्स एंड वन वर्ड. नाउ वी विल फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर ई. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डाटाबेस? डाटाबेस क्या है? गिव एग्जाम्पल ऑफ अ डाटाबेस. डाटाबेस का एग्जाम्पल दीजिए. चलिए फोकस करते हैं स्टूडेंट्स. दिस इज आंसर नंबर फर्स्ट, डाटाबेस. व्हाट इज डाटाबेस? डाटाबेस क्या है स्टूडेंट्स? डाटाबेस विल राइट फर्स्टली हेडिंग एज ए डाटाबेस. A database is a system for collecting and organizing data. एक database क्या एक system है for collecting and organizing data. Data को collect करना और उसको organize करना, ठीक के लिए. यानी कि क्या है, एक database एक system है data को collect करना और उसको organize करने के लिए, ठीक. इट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन. यह इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है अबाउट पीपल, आइटम, एक्टिविटीज. इट इज किस किस की इन्फॉर्मेशन? अप्रोक्स पीपल, लोगों के बारे में, आइटम्स के बारे में या एक्टिविटीज के बारे में, ठीक है. एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स. जैसे हम मान लें कि आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब स्टूडेंट्स के नाम की लिस्ट एंड द मार्क्स ऑब्टेंड बाय देम, और उनके द्वारा जो मार्क्स आए हैं यानी जो वो मार्क्स लेके आए हैं एग्ज़ाम में उनकी लिस्ट. आपने देखा होगा जब आपके टीचर टैबुलेशन तैयार करते हैं एग्ज़ाम का, उसमें क्या होता है, स्टूडेंट का नेम होता है, उसका फादर्स नेम होता है और फिर मार्क्स होते हैं. ओरल में कितने मार्क्स आए, रिटर्न में कितने मार्क्स आए, फिर टोटल होता है. तो सभी क्या है, एक डाटाबेस ही तो है. ऐसे ही डाटाबेस बनाया जाता है, उसमें स्टूडेंट का नाम भी है, उसने मार्क्स कितना ऑब्टेंड किया है वो भी है. एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है स्टूडेंट्स. इसको अच्छे से राइट कर लीजिएगा. डाटाबेस, अ डाटाबेस इज अ सिस्टम फॉर कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा. इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल, आइटम्स, एक्टिविटीज. इट इज we are taking one example, list of name of students and the marks obtained by them. clear? चलिएगा second question की बात करते हैं. first question complete हो गया students. yeah, if you want to take a screenshot of question number one then you can take a screenshot. ओके, सेकंड क्वेश्चन, टर्न नेक्स्ट पेज ऑफ योर बुक. सेकंड क्वेश्चन इज दैट, राइट द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन. यानी कि हमें डिफरेंस लिखना है इसमें, डाटा में और इंफॉर्मेशन. हमें अंतर बताना है डाटा में और इंफॉर्मेशन में, क्या अंतर होता है. देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग.
डेटा कैन बी डिफाइंड एज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. डाटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स अल्फाबेट इमेजेस साउंड इटीसी. यानी कि डाटा क्या है, डिफाइन करता है रिप्रेजेंटेशन को फैक्ट की, कॉन्सेप्ट की और उसके इंस्ट्रक्शन की इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स की फॉर्म में. अल्फाबेट, अल्फाबेट की फॉर्म में, अल्फाबेट मतलब ए बी सी डी, नंबर्स मतलब 0, 1, 2, 3. इमेजेस कोई भी इमेज के रूप में, साउंड या फिर किसी ऑडियो के रूप में. ठीक है, वो क्या करता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन करता है डाटा किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी फैक्ट को या फिर इंस्ट्रक्शन को, निर्देश को. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, डाटा इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू. डाटा क्या है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है. एंड वी गेट इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट, और हम इंफॉर्मेशन मिलती है हमें एज ए आउटपुट. डाटा इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू. डाटा क्या है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किया जाता है. एंड वी गेट इंफॉर्मेशन, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या हम इंफॉर्मेशन पाते हैं एज एन आउटपुट, एक आउटपुट की रूप. ठीक है, हेंस इसलिए डाटा इज लाइक एज एन इनपुट. इसलिए क्या है, डाटा क्या है, एक इनपुट की तरह है. एंड और इंफॉर्मेशन इज लाइक एज एन आउटपुट, एंड इंफॉर्मेशन इज लाइक एज एन आउटपुट. और जो इंफॉर्मेशन है वो किसकी तरह है, आउटपुट की तरह है. जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी तरह है, आउटपुट की तरह है. और जो डाटा है वो किसी तरह है, एज अ इनपुट, इनपुट की तरह. क्लियर, डाटा इज प्रोसीड बाय सीपीयू, प्रोसीड होता है सीपीयू के द्वारा. एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन एज एन आउटपुट, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है एक आउटपुट के रूप में. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डाटा है वो इनपुट की तरह है और जो इन्फॉर्मेशन है वो किसकी तरह है, आउटपुट की तरह है. ओके स्टूडेंट्स, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्टली. चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ही ले लीजिएगा क्योंकि पूरी आएगी नहीं, इसलिए टेक अ स्क्रीनशॉट आ जाएगी. हाँ यस 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 यस, यू कैन टेक टिल हियर, यहाँ तक आप ले सकते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ तक. दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 2. ये दोनों फर्स्ट का आंसर है, ये सेकेंड का आंसर है. टेक अ स्क्रीन शॉट डियर स्टूडेंट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस थर्ड क्वेश्चन. ओके, हैव यू टेकन. चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स. देखिए, सो फोकस ऑन योर बुक. व्हाट आर द डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स, डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है. नेम एनी थ्री, किन्हीं तीन के नाम देने. व्हाट आर द डाटाबेस ऑब्जेक्ट, डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्या हैं, किन्हीं तीन के नाम लिखिए. थर्ड क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ. डाटाबेस ऑब्जेक्ट, पहले आप हेडिंग डालें क्योंकि हमें पहले इसकी डेफिनेशन देनी है कि व्हाट इज़ द डाटाबेस ऑब्जेक्ट, डाटाबेस ऑब्जेक्ट एक्चुअली में है क्या. एन ऑब्जेक्ट
डाटाबेस इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट, देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट डाटाबेस, एन ऑब्जेक्ट डाटाबेस, एक ऑब्जेक्ट डाटाबेस इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इन विच जिसमें इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ठीक है स्टूडेंट्स। एन ऑब्जेक्ट डाटाबेस, एक ऑब्जेक्ट डाटाबेस इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इन विच जिसमें इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिसमें जो इंफॉर्मेशन है वो रिप्रेजेंट की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, ठीक है, आपको समझ में आ गया डाटाबेस ऑब्जेक्ट क्या है। डाटाबेस ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि डाटाबेस मैनेजमेंट में है, जो कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। एन ऑब्जेक्ट डाटाबेस, एक ऑब्जेक्ट डाटाबेस इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इन विच जिसमें इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड, इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके तीन क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ आंसर नंबर 3 थ्रू विच यू कैन डू इजीली इन योर नोटबुक और बुक। देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके बाकी क्वेश्चन तो एक बार फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपके बुक में आ सकते हैं, रिमेनिंग यानी कि सेकंड क्वेश्चन आपका बुक में नहीं आ पाएगा, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को केवल नोटबुक में कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, यू विल डू ओनली इन नोटबुक, मीन्स टू से यू विल डू क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 एंड सो ऑन, मीन्स ऑल क्वेश्चंस यू विल डू इन योर नोटबुक ओनली। बुक में नहीं करना है, केवल नोटबुक में करना है ये क्वेश्चन आंसर, ठीक है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, इसको लर्न कीजिए हैंड टू हैंड, क्योंकि जो आपका FM1 का टेस्ट होगा उसमें ये क्वेश्चन या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ही पुटअप होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो नहीं है, या फिर एक बार चलिए कर ही देता हूँ। डाटाबेस और डाटाबेस क्या है, डाटाबेस एक सिस्टम है, किसका सिस्टम है, वो डाटा को कलेक्ट करता है और उसको ऑर्गेनाइज करता है। इट कैन स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है अबाउट पीपल, आइटम्स और एक्टिविटीज़ के बारे में। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, लिस्ट ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट्स एंड द मार्क ऑब्टेन बाय देम, बच्चों के नाम लिखे हैं स्टूडेंट्स के और उनके मार्क्स कितने कितने आए हैं वो लिखे। सेकंड वन, डाटा कैन बी डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट, इमेजेस, साउंड्स, इट्स। डाटा क्या है, डिफाइन किया जाता है एक प्रेजेंटेशन के रूप में फैक्ट के, कॉन्सेप्ट के या फिर इंस्ट्रक्शन के, किसकी फॉर्म में किया जाता है, नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, अल्फाबेट, इमेज या फिर साउंड की फॉर्म में हो सकता है। डाटा इज़ प्रोसीड बाई CPU, डाटा क्या है, प्रोसीड होता है CPU के द्वारा
एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन एज एन आउटपुट, और हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है एक आउटपुट की तरह। इसलिए हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि डाटा इज लाइक एज ए इनपुट, एंड डाटा क्या है, एक इनपुट की तरह है, और एंड इन्फॉर्मेशन इज लाइक एन आउटपुट, और इन्फॉर्मेशन किसकी तरह है, आउटपुट की तरह है। थर्ड वाले को मैंने आपको टू टाइम्स डिस्क्राइब कर ही दिया, देयर इज अ नो प्रॉब्लम। गुड स्टूडेंट्स, सो यू विल लर्न इट आल्सो, यू विल राइट इन योर नोटबुक इन गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।